सर वो भी सर डेस्कटॉप दिख नहीं रहा दिख है सर, रही। बोर्ड नहीं दिख रहा। अच्छा डेस्कटॉप दिख रहा है। हाँ सही में। हाँ हाँ सर हाँ देखो अभी क्या हाँ दिख सर ऐसे दिख रहा रहा। है। ठीक है तो सीक्वेंस एंड सीरीज ठीक है। AP4 आपका स्ट्रेट लाइन चल रहा था लास्ट में राइट? यस यस सर सर हो गया था सर, नहीं हुआ नहीं था, होने वाला था, होते रहेगा मतलब। ठीक है और इधर में क्या स्थिति है? BB1 में आप लोग का क्या लास्ट क्लास में पढ़ाए थे? PMI नहीं, लिनियर इनइक्वालिटी। यस हाँ सर सर लीनियर इक्वालिटी ग्राफ्स कर रहे थे हम लोग। BB1 और इतने बस, ये नाम कौन देता है ना बैचेस के, मुझे समझ में नहीं आता, अजीबोगरीब नाम होते हैं। BBPC BB1 ठीक है। और इसके बच्चों का क्या चल रहा था? लीनियर इनइक्वालिटीज ग्राफ्स लीनियर इनइक्वालिटी Chapter 6 हमारा चल रहा था राइट? यस सर हाँ ओके। और AP5 AP4 बेटा ओल्ड AP4 आपका क्या चल रहा था? सर स्ट्रेट लाइन। फर्स्ट स्ट्रेट लाइन ठीक है। तो फाइन आपका खत्म हो चुका था, आपका खत्म हो चुका। सिंसियरली हम लोग को इस वीक में सीक्वेंस सीरीज करनी होगी, सिंसियरली सीक्वेंस सीरीज फाइन। सर हाँ बोलिए। तो अलग 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 बैचेस का फिर कब से स्टार्ट होगा क्लास मैथ्स का अब किसका अलग करना है? सर? मतलब नॉन इंटी वो सब का अभी तो एक साथ ही है ना, तो वही तुम कौन बोल रहे हो? सर सार्थक सार्थक किस बैच से बेटा? ये अभी नया वाला AP4 नया वाले AP4 में ओल्ड है AP तू? थ्री शिट यार, ये रमेश सर ने ना पागल कर दिया यार, सच्ची बोल रहा हूँ। ओल्ड AP3 तेरा बैच यही है अभी? तू इंटी में है क्या? नॉन इंटी में तेरा बैच ये है अभी फाइनल? अब बोलते हो डाउट क्या है? सर। मतलब वही पूछ रहा था कि ये शायद लास्ट लेक्चर है ना एक साथ सारे बैच का। आपने पहले सारा बोला था बैच कि नहीं है इसमें, AP1 AP2 AP3 नहीं है इसमें, सर जो उनके बस इंटीग्रेटेड हो ऑप्शन उसका है ना। क्या बेटा? आपने चॉइस दिया ना कि जिनको सीक्वेंस एंड सीरीज रिवीजन लेना है वो आ वो सकते तो हैं। हमेशा ही चॉइस रहेगा, वो तो अब जो भी हाँ टॉपिक सर पढ़ाऊंगा आगे वो हमेशा चॉइस दे करूंगा, जिसको आना है आ जाओ, जिसको जाना है आ जाओ, वो तो हमेशा चॉइस रखूंगा। ओके सर ठीक है हाँ और बोलो क्या बोल रहे थे? हमारा जो इस वीक में कंबाइंड लेक्चर होगा ना, हाँ सर हाँ अपना जो कंबाइंड लेक्चर चलने वाला है ना AP 1 2 3 वालों का, तो उनको मैं अलग ही रखूंगा और इधर का अलग ही रखूंगा AP 4 का। ठीक है तो आप लोग कंफ्यूज मत हो फालतू का। एनीवेज फाइन मैं चैप्टर स्टार्ट करूँ, किसी को और कंफ्यूजन है क्या कुछ? नो सर नो सर सर ठीक है सर सीक्वेंस सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। हाँ सिद्धार्थ बोल क्या हुआ? सीक्वेंस सीरीज सब लोग 10th में AP पढ़ के आते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक यस सर यस सर यस 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 सर यस सर यस सर है ठीक है। अब देखो कोई भी जो सीरीज होती है, एनी सीरीज का दो चीज इंपॉर्टेंट होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी सीरीज की, वो होती है उसका जनरल टर्म। जनरल टर्म माने एंड जनरल टर्म माने एनएथ टर्म टर्म। एंड जनरल टर्म का मतलब होता है एनएथ टर्म। यहां तक क्लियर है? यस सर द्रव्याशा को क्या पूछना है? ठीक है तो और फिर एक सेकेंड चीज होती है सम ऑफ द एन टर्म्स। क्या होता है बेटा? सम ऑफ एंड टर्म सम ऑफ एन एंड टर्म्स। टर्म एंड टर्म्स ये दो चीजें होती हैं सी किसी भी सीरीज में जो हम लोग को निकालने आना पड़ेगा। यहां तक क्लियर है? यस सर यस सर ठीक है। सीरीज एक्चुअली कुछ नहीं होता है, सीरीज एक्चुअली आपका
मेंटल एबिलिटी होता है पैटर्न रिकॉग्नाइज करके आप अगला टर्म बताते हो। यहाँ तक बात समझ में आती है? यस सर। यस ठीक है, कॉपी करिए इस चीज को। जनरल टर्म और सम ऑफ एन टर्म्स, दीज आर टू इंपॉर्टेंट थिंग्स जो हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। कॉपी कर लिए? यस सर। हाँ, इसमें कॉपी क्या करना है, कुछ है ही नहीं है, टाइम पास है तो। यस सर, हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ठीक है, जो तुम सिंपल चीज देखो, मैं थोड़े से क्वेश्चन करा रहा हूँ बेसिक से। आपको समझना पड़ेगा क्या मतलब होता है। अगर टी एन इज एन बाई एन प्लस वन, देन फाइंड टी टेन। बताओ क्या होगा टी टेन? बहुत सिंपल है, कुछ है नहीं है ना। हाँ सर। यस ठीक है, मुझे बताओ अगर एस एन का वैल्यू Tn by Tn minus 1 is n, find T5। ऐसे निकालोगे? सर T5 by T6 is 5। बोलो बोलो, पहले n को डाल दो 4। T5 by T4 कितना होगा? T5 by T4 कितना होगा? 5। तो T4 चाहिए आपको? Yes sir। T4 by T3 कितना होगा? T4 और T1 का वैल्यू 1 दिया होगा। T3 by T2 कितना होगा? T3। T2 by T1 कितना होगा? 2। आपको चमका? तो यहाँ से आपका T2 निकल गया। Yes sir। कितना आया? 2। T3 कितना आया? 3। 6 होगा, हाँ 6। T4 कितना आया? 24। हाँ 24। T5 कितना आया बेटा? 120। 120 ना बेटा, 120 ना, 24 पत्ती 120। यहाँ तक क्लियर है? सिद्धार्थ क्लास में है कि नहीं है? कर्मकर सिद्धार्थ क्लियर है सर? अरे बीबी बन का एक बच्चा था ना सिद्धार्थ, बोलता था क्लास में, नहीं है आज क्या? पता नहीं सर, पिछले लेक्चर में तो था, क्लास के स्टार्टिंग में भी था। तो बीबी वन में है ना? तो है सर। हाँ सर, बीबी वन में हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? मधेसिया तुमको क्लियर है बेटा यहाँ तक अच्छे से? अरे एक बच्चा है ना, इसका टाइटल मधेसिया है मेरे ख्याल से। हाँ सर, आकाश। आकाश क्लियर है? आकाश? यस सर। मधेसिया क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है, बोला करो क्लास में बेटा, चुप के बैठते हो। यहाँ तक दोनों एग्जांपल क्लियर है आपको? यस सर। यस सर। कॉपी करें सब लोग सर, कॉपी करें। AP1 AP2 AP3 आप क्लास में बस सुनोगे, आप कुछ नहीं बोलोगे, आपको आंसर आता है तो भी नहीं बोलोगे। आंसर बस AP4 के बच्चे और BB1 के बच्चे करें।
यहाँ तक क्लियर है? यस सर क्लियर है। रब करें बेटा, आकाश रब करूं, क्लियर है? यस सर। इफ SN इज इक्वल्स टू एन क्यूब प्लस वन, फाइंड। अच्छा SN का मतलब मालूम है? SN का मतलब क्या होता है? सम ऑफ द टर्म्स, T1 प्लस T2 से लेके TN तक। तो फाइंड टर्म 5, बताओ कैसे निकालोगे? सर 126। यस सर 126। नहीं बेटा T5 निकालना है ना, T5। यस सर। S5 माइनस S4। बढ़िया। S5 क्या होगा बताओ? 126। T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5. What will be the value? 126. यहां तक क्लियर है? क्लियर सर। ठीक है, S4 क्या होगा बताइए? 65. तो अगर दोनों को माइनस करोगे तो क्या आ रहा है? 61 आ रहा है सर। T5 कितना आ गया? 61। क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। सॉल्व करिए। निकालो ना, निकालो।
डालो ना टी वन डालो सर, आंसर 16 है ना? पता नहीं, आंसर नहीं पता बेटा। टी वन तो ही डाल सकते हैं ना, देखो ध्यान दो क्या डाल सकते हैं, स्टार्टिंग टर्म थ्री डाले, T3 by T1 T3 आएगा, तो T3 कितना आएगा सर? 3 आएगा, 3 आएगा। T3 by T5 कितना आएगा बेटा सर? 3 आएगा, तो T5 क्यों? यस सॉरी T5 by T3 तो बेटा T5 कितना आएगा? T7 by T5 कितना आएगा? 27। ये बात चमकती है? हाँ सर। यस सर। मैं T9 क्यों नहीं निकाल रहा हूँ, मैं T7 पे क्यों रुक रहा हूँ सर? क्योंकि अपने को SAT फाइंड करना है ना, लेकिन सर 8 भी तो निकालना पड़ेगा। चलो निकालो, क्या निकाले और सर? T8 भी तो निकालेंगे ना? हाँ, तो उसके लिए T8 by T6 T4 by T2 कितना होगा? T4 कितना है? 12 T4 is 12 इतना क्लियर है? हाँ सर। T6 by T4 T8 by T6 कितना होगा? T8 कितना आएगा? क्लियर है? हाँ सर। तो अब S8 क्या होता है बताओ? T1 plus T2 up to T8 आ रहा है आंसर बताओ? 175। मुझे मालूम है, जोड़ के देख लेना, मैं तुम बोल दी, मैं लिख लिया 3, 9, 12 और 1 कितना आ जाएगा? 10, 13, 13, 40 यहाँ पे तो 40 आ गया, और इधर कितना आ रहा है? T2 is 4 ना, तो 4, 16, 52 नहीं यार ज्यादा आ रहा है, कितना ऐड करने पे? क्या बोल रहे हो यार, समबडी ऐड दीज यार, कितना आ रहा है आंसर बताओ? 190 सर। जोड़ लो ना, जोड़ के बताओ भाई, मुझे क्या मालूम। 108 plus 52 तुम्हारा 160 कितना आ रहा है? 185 क्या? इतना क्लियर है सभी को यहाँ तक? कावेरी क्लियर है बेटा? यस सर। तुम कावेरी कब से हो गए बे? तुम कावेरी हो सर? कावेरी बेटा आपको क्लियर है? हाँ सर। यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन है क्या कुछ? नो सर। नो सर। कॉपी करिए सर। बोलो। स्पीक जो टेस्ट होगा संडे को, वो इस हफ्ते का सीक्वेंस सीरीज करेगा ना मैथ्स के लिए? आपका बैच क्या है सर? BB1। BB1 आपका इस वीक भी मैंने सेट रिलेशन ही रखा है, नहीं आपका मैंने बस फंक्शन रखा है, बस फंक्शन। ओके सर।
कल का हार्ड हो, कल का तुम लोग कल सिंपल ही था आई थिंक एपी फोर जो लोग ट्रिग्नोमेट्री जो ट्रिग्नोमेट्री वाले दिए थे उनका शायद टफ हो गया था गलती से आप लोग किस बैच की बात कर रहे हो एपी फोर पहले के एपी फोर अभी एपी टू पहले के एपी फोर हाँ बाप रे बाप मैं पागल हो जाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री है ठीक है इतना क्लियर है यस सर यस सर यस सर रब करें इतना एक सेकंड सर अरे वो बीबी वन में एक ही तो बच्चा था सिद्धार्थ यार वो बोलता था पता नहीं कहाँ है यस सर सिद्धार्थ कर्मकार ना हाँ सर आज घर पे बहुत सारे लोग हैं और आज बात घूम रहे और बात कर रहे अच्छा ठीक है इतना सबको क्लियर है क्या हाँ द्रव्य बोल क्या हुआ तेरे को बाबा इतना सबको क्लियर है क्या अब एक बात सुना मेरी अभी ईमानदारी से एपी 1 2 3 वाले देखो कैसा है ना मैं चैप्टर ना कभी सेम तरीके से नहीं पढ़ाता हूँ आपको अब ये लग रहा होगा सर ने हमको ये नहीं पढ़ाया है ठीक है ऐसा होता नहीं है कंसेप्चुअली सब कुछ सेम रहती है हर बैच में मतलब ऐसा नहीं होता कि आपको सेम मिल जाएगा बहुत ट्राई किया मैंने पनवेल में इस बार 1 2 3 में सेम करने का इसलिए मैंने फिर बैच भी कंबाइन कर दिया था क्योंकि मुझसे वो अलग अलग ही पढ़ाई होती है मैं सेम रिपीट नहीं कर पाता मुझे याद रहता है मैंने लास्ट बैच में क्या पढ़ा है फिर मैं चेंज करता हूँ उसको तो आपको झटके मच लगाना कि अरे क्या चल रहा है हमको सबको इतना क्लियर है क्या यस सर यस सर ठीक है डायरेक्टली SN का फॉर्मूला क्यों नहीं यूज करते कहां SN का फॉर्मूला किसने दिया आपको सिखाया था लास्ट ईयर तो बेटा वो तो AP के लिए था ना ओह यस इसी के लिए जोड़ देगी क्या ठीक है अरे इतना क्लियर है क्या यस सर फाइन देयर आर थ्री प्रोग्रेस हां अभी कैसा होता है पहले अपन प्रोग्रेशंस पढ़ेंगे प्रोग्रेशंस तीन होते हैं एक होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वैसे अगर तुम लोग जो बीबी वन वाले हो ना अगर तुम लोग चाहते हो ट्रिग्नोमेट्री वाला जो टेस्ट लास्ट टाइम लिया था तो वो मांग लो ना प्रशांत सर मैं बोल देता हूँ ना वो अपलोड कर देंगे तुम लोग का ये प्रैक्टिस ही हो जाएगा है ना तो तुम लोग का ट्रिग्नोमेट्री काफी कराया ही है यस सर तो तुम लोग भी चाहो देख सकते हो उसको हार्मोनिक प्रोग्रेस हार्मोनिक प्रोग्रेस ये तीन प्रोग्रेशंस होती हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन ठीक है एपी yes, क्या होता है A1, A2, AN. अगर एपी में है तो दैट इंप्लाइज कंजुकेटिव टर्म्स का डिफरेंस कॉन्स्टेंट है सर कॉन्स्टेंट है अपने को आता है एपी ठीक है जीपी में आओ सर जीपी में आओ A1, A2, AN ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हुए कब है जब कंजुकेटिव टर्म्स का जो रेशियो है ना Ratio is constant. जो कंजुकेटिव टर्म्स का जो रेशियो है ना समझ रहे हो बेटा yes, sir. सर कंजुकेटिव टर्म्स का रेशियो है रेशियो
दैट इज सेम. यहां तक क्लियर है? यस सर. और यस सर. ठीक है. देन H1 को दिख रहा हो तुम? HP A1 A2 AN ये HP में है. That implies, अबे ध्यान देना, that implies 1/A1 1/A2 1/AN ये HP में है. सॉरी एपी में है सर. एपी में है ये. एपी में है. दैट मीन्स वापस से, दैट मीन्स बेटा 1/A2 -1 is D. 1/A3 -1/A2 is D. 1/A4 -1/A3 is ये सब क्या है? D. यहाँ पे भी D कांस्टेंट है ना? हाँ. Yes, sir. इन सबको बोला जाता है कॉमन डिफरेंस. ये बात चमकती है? इसको बोलते हैं, मालूम है ना, पर टेंथ में बोलते थे ना इसको, क्या बोलते थे? Yes, sir. Common difference. और इसको क्या बोलते हैं सर? कॉमन रेशियो. कॉमन रेशियो. कॉमन रेशियो सर. कॉमन रेशियो सर. रेशियो. यहाँ तक चीज क्लियर है? यस सर. यस सर. यहाँ तक कोई समस्या है या किसी को? नो सर. नो सर. तो आपको ये चमका क्या अच्छे से कि एपी क्या होती है, जीपी क्या होती है, एचपी क्या होती है? यस सर. थोड़ा एग्जांपल लेते हैं. जस्ट वंस अगेन कैन यू एक्सप्लेन द हार्मोनिक प्रोग्रेशन अगेन? हाँ मैं आ रहा हूँ. 2, 4, 6 ये दिस इज एपी एग्जांपल राइट? यस सर. 5 ये भी एपी है राइट? यस सर. यहाँ 2, 4, 8, 16, 3 सर मतलब एक ही नंबर मल्टीप्लाई करना है ना? होता रहेगा. हाँ. 3, 9, 27, 81 ये बात चमकती है? यस सर. एपी जीपी में कैसा है कि कंजुगेटिव टर्म्स का जो रेशियो है वो कैसा है? कॉन्स्टेंट है. ये बात चमकती है? अभी एचपी, व्हाट इज एचपी? टर्म्स आर सेट टू बी इन एचपी इफ द रेसिप्रोकल इज इन एपी. इफ द रेसिप्रोकल इज इन एपी ये बात समझ में आती है? यस सर. इफ द रेसिप्रोकल इज इन रेसिप्रोकल इज इन AP. ये बात ध्यान आती है? Yes, sir. Yes, sir. 1/4, 1/6, 1/8 ये HP में है. क्यों HP में है? Reciprocal is in AP. ये बात चमकती है? Yes, sir. Yes, sir. बच्चे ने डाउट पूछा था हार्मोनिक प्रोग्रेशन के लिए कि सर वापस से बताओ, क्या उस बच्चे को चीज अच्छे से क्लियर है? यस सर. कॉपी करिए.
सर 1111 जीपी हो सकता है क्या? 111 जीपी है इक्वल, मैं लिख रहा हूं अभी, आप एक कॉपी कर लो, मैं नेक्स्ट पेज पर लिखता हूं। हाँ सर नोट, इक्वल टर्म्स आर इन एपी जीपी एचपी बट जीरो कैनॉट बी मेंबर ऑफ जीपी एंड एचपी। ये बात समझ में आती है क्या? यस सर। ध्यान देना, जीरो 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 ये एपी में है बट जीरो 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 एचपी में नहीं है। नहीं है सर। क्यों नहीं है एचपी में? भाई 1/0 थोड़ा डिफाइंड होता है। ये बात चलो सर, 111 ये एपी में भी है, जीपी में भी है, एचपी में, एचपी में भी है सर। यस सर। ठीक है, कॉपी करिए। करें सर, आपने जो थर्ड एग्जांपल लिया जीपी में उसका कॉमन रेशियो क्या है? 100 नहीं है दिख रहा क्या? 100 गड़बड़ है क्या? 10 × 100 एक दो तीन चार एक्स्ट्रा जीरो आ गया है। हाँ सर। हाँ सर। सर और इसमें 10 के बाद 100 होगा ना? मैंने कॉमन रेशियो 100 रखा है। यहाँ पे कॉमन रेशियो तुम्हारा 2 है, यहाँ पे कॉमन रेशियो 3 रखा है, यहाँ पे कॉमन रेशियो 100 रखा है। क्या नहीं समझे? ओके सर। सर समझे समझे। हो गया सर। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यस सर। बताओ ये कौन सी सीरीज है? सर ये जीपी है सर। जीपी है सर। जीपी दिख रही है? कॉमन रेशियो क्या है बताओ? हाफ सर। हाफ सर। 1/2 1/2 दिख रहा है कॉमन रेशियो? यस सर। यस सर। यस सर। ये कौन सी सीरीज है सर? एचपी है सर। एचपी। एचपी कॉमन डिफरेंस एचपी का एचपी का कॉमन डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है एचपी का कॉमन डिफरेंस सर। एपी में कॉमन है 1/10 है सर। 1/10 है सर। सर ये एचपी कैसा है? देखो ना लिख तो सॉल्व कर रहे हैं ना, इसको रेसिप्रोकल किए तो क्या आया? 3/10 4/10 5/10 ना। अब ये टर्म yes, क्यों हैं? ये एपी में है क्या? तो ये एपी में है कि नहीं है? हाँ सर। है।
और अगर ये एपी में है इसका मतलब इसका रेसिप्रोकल जो है वो एचपी में, एचपी में। क्या यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर है? नहीं क्लियर है? क्लियर हाँ सर। 327 एक मिनट रुक जाओ। अरे हेलो। यस सर। सर जीपी है। जीपी है सर। हेलो। यस सर। सर जीपी है। जीपी 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 सर। सर आरएस का बंदा हेलो सर पॉइंट। अरे हेलो सर। हर्ष हर्ष हेलो। यस यस सर। हाँ सर। हेलो सर। हेलो हेलो सर। यस सर। यस सर। हेलो हेलो सर। हाँ हेलो सर। हाँ आ रही है। हाँ हेलो आ रही है। 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 आ रही है सर। हाँ ठीक है। तो क्या क्या कह रहा था मैं पिछले पेज पे? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो अभी अपन एपी के लिए काम करते हैं। एपी अपन ने पहले ही पढ़ रखा है ना बचपन में तो। यस सर।
एपी अपन ने सब लोगों ने तो बचपन में तो सब लोग एपी पढ़ के आए ना, नहीं पढ़ के आए होंगे? तो सुनो, एपी की दुनिया के लोगों, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात करते हैं, ठीक है? तो आपको डेफिनेशन तो मैं लिखवा दिया, ठीक है? वापस से मैं लिख रहा हूँ डेफिनेशन, क्या है एपी का डेफिनेशन, ध्यान दीजिएगा। A1, A2, A3, .. AN आर सेड टू बी इन एपी इफ A2 - A1 इज इक्वल्स टू A3 - A2 इज इक्वल्स टू, बोलो क्या? डी यही डेफिनेशन है। मैंने आपको बोला कि हर सीरीज के लिए दो चीज इंपॉर्टेंट होती है, एक तो nth टर्म और एक तो सम टिल nth टर्म, ठीक है? आपको दोनों का आपको आपको दोनों का फॉर्मूला आता है, ठीक है? मैं फिर भी डराइव कर रहा हूँ फॉर्मूला आपके लिए वापस, ठीक है? A2 - A1 डी होता है, A3 - A2 भी डी होता है, A1 - A1 भी क्या होता है? डी होता है। आप मुझे बस इतना बताओ कि इन सबको ऐड करूंगा मैं, अगर मैं ऐड करता हूं इन सबको तो क्या होगा? दिख रहा है कुछ होता हुआ? चुप। पहली बात, किसी ने बोला 3D, आपको ये बात समझ में आई कि बीच में बहुत सारे नंबर्स लिखे हुए थे? हाँ सर वो जस्ट ठीक है। अब आते हैं कंसेप्ट पे, यहाँ पे कितना डी लिखा हुआ है, कैसे काउंट करेंगे? हाउ मेनी डीज आर रिटन हियर? सर जितने एन होंगे, हाँ काउंट करो। देखो ना, आपको रो काउंट करने आता है ना, मैं कहता हूँ क्लास में बच्चों काउंट करो, आप रो काउंट करते हो ना, काउंट करो कितने रोज हैं। देखो ये आपका फर्स्ट रो, ये आपका सेकेंड रो, ऐसे ही थर्ड रो, नहीं ना बेटा? कितने रोज हैं? हाउ मेनी रोज आर देयर? एन माइनस एन माइनस वन रोज, माइनस वन रोज। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। हाँ सर। आपका ए एन क्या हो जाएगा? ए वन प्लस एन माइनस वन डी। यहाँ तक क्लियर है क्या? यस सर। ये किसका फॉर्मूला? ये आपको बचपन से आता तो है, एपी के एनर्ट टर्म का फॉर्मूला मैंने ड्राइव किया है ना? यस सर। दूसरी चीज क्या पढ़ना चाहेंगे हम लोग? SN निकालना चाहेंगे, एपी का सम टिल nth टर्म, सम टिल nth टर्म, ठीक है? आते हैं उस चीज पे, थोड़ा सा एपी में एक दो चीज और ऑब्जर्व करते हैं पहले, ठीक है? एपी का आप मुझे फर्स्ट टर्म लिखो, बताओ क्या होगा? फर्स्ट टर्म को अपन ए मान लेते हैं, ठीक है? आप मेरा सेकेंड टर्म कितना होगा? ए प्लस डी। थर्ड टर्म कितना होगा? ए प्लस टू डी। ए प्लस टू डी। ए प्लस टू डी। फोर्थ टर्म कितना होगा? ए प्लस थ्री डी। यहाँ तक कोई किसी को कोई दिक्कत? सब कुछ क्लियर है यहाँ तक? यस सर। या फिर हम ए टू प्लस डी भी लिख सकते हैं ना? A2 + D, मैं फर्स्ट टर्म के रिस्पेक्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है? हाँ सर। मुझे बताओ AN क्या होगा? सर A+N-1D। AN-1 क्या होगा? सर A+N-2D। AN-2 क्या होगा? A+N-3D।
यहाँ तक बात चमक रही है क्या? यस सर। यस सर। सभी को यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यस सर। सर ये an माइनस वन वाला कैसे आया? an कैसे आया? an माइनस वन वाला वो n माइनस टू कैसे गया? हाँ तुम मुझे an तो बता, an कैसे आया? सर n माइनस वन रोज थे तो हम लोगों ने n माइनस वन को मल्टीप्लाई किया d से। तो एक बार an आ गया ना, तो अगर एक बार nth टर्म आ गया, अगर मेरे को an मालूम चल गया तो फंक्शन में पढ़ाया है ना, अगर an मालूम चल गया तो an माइनस वन क्या होगा, n को n माइनस वन से रिप्लेस करना होगा ना बस। अच्छा हाँ। अरे इस वाले में n को n माइनस वन से रिप्लेस करो, फॉर्मूला नहीं आएगा? समझा समझा समझा। यहाँ पर n माइनस थ्री समझा सर। अरे यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। कॉपी करो, ये पेज कॉपी करो। डन सर। सब लोग कॉपी कर लिए? यस सर। सब लोग कॉपी कर लिए? यस सर। यस सर। तो SN क्या होगा AP के लिए बताओ? A1 प्लस A2 प्लस A3 डॉट 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 AN। यस सर। AN माइनस वन AN, यही होगा ना? यस सर, यही होगा सर। SN में A1 A है, A2 कितना है? A प्लस डी है। A प्लस डी। A3 कितना है? A+2D। AN कितना था? A+N-1D। और AN-1 कितना था? A+N-2D। यहाँ तक क्लियर है? इसी SN को उल्टा लिखते हैं, क्या आएगा? A+N-1D प्लस A+N-2D। अरे SN को जैसे उल्टा करके लिख रहा हूँ, लिख सकता हूँ ना? हाँ सर, सेम ही होगा। तो यहाँ पर क्या आएगा? A+D। और यहाँ पर क्या आएगा? A+A। यहाँ तक क्लियर है क्या? यस सर। हाँ सर, हाँ सर। किसके यहाँ टीवी चल रहा है भाई शाम को? यहाँ तक सभी को क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अगर हम दोनों को ऐड कर देंगे 2SN तो क्या होगा बताओ? आपको दिख रहा है दिस प्लस दिस क्या बन रहा है बताओ? तो 2A प्लस N माइनस वन डी। यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. मुझे आप बस ये बताओ ये क्या बन रहा है? कॉपी में लिख के देखो क्या बन रहा है, रफ में लिख के देखो फटाफट क्या बन रहा है, रफ में लिख के देखो। नहीं लिखे क्या बना बोलो? 2A+N-1D।
यही बना सर। प्लस इसका बताओ। सर वही बना सर। 2a प्लस n माइनस 1t। हाँ सर। प्लस 2a प्लस n माइनस 1d। 2a प्लस n माइनस 1 इनटू d। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। मुझे आप बताओ ये कितने बॉक्स हैं? सर n। n बॉक्स हैं। मुझे बताओ n बॉक्स कैसे हैं? सर क्योंकि n नंबर ऑफ टर्म्स थे और दो बार n नंबर ऑफ टर्म्स को लिख के ऐड कर दिया तो n ही आएंगे लास्ट में भी। बढ़िया। तो n into 2a plus n into 2a plus n minus 1d। n minus 1d। Sn कितना आ गया आपका? Sn by 2। ये तो आपका फॉर्मूला था क्लास 10th में था ना? यस सर यही था। यस सर। आपके क्लास 10th का फॉर्मूला ही तो था n by 2 into 2a plus n minus 1d। फिर एक और इसके आपको सर ने बताया होगा n by 2 लिख दो बेटा और इसको a plus a। हाँ और ये लिख दो बेटा, बताया होगा सर ने आपको है ना? और फिर सर ने बताया होगा आपको एक काम करिए n by 2 लिख दीजिए और ये आपका a है और ये आपका an है ना? Yes sir। ये बात चमकती है? Yes sir। सभी लोगों को क्लियर है क्या अच्छे से? Yes, सौ बात, सौ बात की दस बात, सबको क्लियर है अच्छे से? Yes sir। कॉपी करिए बेटा। Done, sir। रब करें। एक मिनट सर। हाँ डन सर। सभी लोग का हो गया क्या बेटा? यस सर। यस सर। आप एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज ऑब्जर्व किए हो कि एपी में सम ऑफ टर्म्स इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम एंड्स इज इक्वल। स्टेटमेंट का मतलब क्या है सर?
सम ऑफ, अभी आप देखो ना सम ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द एंड, आपने देखा मान लो चलो ए वन में एग्जाम्पल से समझा पाऊंगा, ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ए फाइव ए सिक्स ये सब एपी में है ठीक है, तो ये टर्म क्या है ए है, ये क्या है ए प्लस बी है, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, ए प्लस फोर डी, ए प्लस फाइव डी। मैं क्या बोला इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द एंड, मतलब देखो ए वन प्लस ए सिक्स इज इक्वल टू ए टू प्लस ए फाइव, ए टू प्लस ए फाइव, ए थ्री प्लस ए थ्री प्लस ए फोर। ये बात चमका, मैं क्या कह रहा था? यस सर, हाँ सर समझा सर। अगर यही पांच रहेगा टर्म तो क्या होगा, तुम्हारा कॉमन सेंस क्या कहता है? सर अगर पांच टर्म्स रहेंगे तो ए वन प्लस ए फाइव इज इक्वल टू ए थ्री, ए वन प्लस ए फाइव इज इक्वल टू ए टू प्लस ए फोर इज इक्वल टू ए थ्री, ए फोर इज इक्वल टू ए थ्री। नहीं ना कॉमन सेंस नहीं है, टू ए थ्री, टू ए थ्री, टू ए थ्री। देखो ना, हाँ ए थ्री ऐड हो जाएगा, हाँ समझा। देखो ना ए ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी और a प्लस फोर डी है ना, फोर डी एड करके देखो दिख रहा है सर उसका मीन जैसे। ये बात समझ में आती है? यस सर, हाँ सर, फोर डी आना चाहिए तो थ्री डी में टू डी है तो दो बार एड कर दिया तो फोर डी बन जाएगा। समझ में आ रहा है, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? देखो ए वन प्लस ए फाइव की वैल्यू कितनी आई, टू ए प्लस फोर डी, इसका कितना है 4D, 4D आएगा, 2A 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 4D आएगा सर, 4D और ये A plus 2D है तो इनको को कर दिया, समझा? ये बात चमकती है क्या? यस सर, यस सर, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत काम का आता है एपी में क्वेश्चंस को फास्ट करने के लिए। ये चीज क्लियर है क्या? एपी में सम ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द एंड इज इक्वल, इक्वल। कॉपी करिए सर, अगर ऑड रहेगा तो मिडिल वाले टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ कॉमन सेंस की बात है ना रे, हर सम, अभी किसके यहाँ गाना चल रहा है, हर टर्म में दो टर्म है ना? हाँ सर, हर टर्म में दो टर्म है, ऑड है तो जो लास्ट और जो बीच का टर्म बचेगा उसको दो, उसको डबल कैसे करेंगे? टू से मल्टीप्लाई करके। चमका, यस सर, यहां तक क्लियर है क्या? हाँ, कॉपी कर लिया? एक मिनट सर, एक मिनट। हाँ हो गया। यहां तक क्लियर है ना सभी को? हाँ सर। If sum of n terms of AP is 2n square plus 3n, find करो।
सारे मुख चढ़ गए बच्चे आ गए इसका तीन खाना बचा होगा ना डन सर रब करें यस सर हो गया कैसे किया सम ऑफ एंड टर्म्स दिया है ना यस सर तो सर पहला टर्म बस वन सब्स्टिट्यूट करके निकल गया सर ये सोच में आती चमकता है कि टी वन विल बी एस वन यस सर क्यों एस टू क्या होगा सर टी टू माइनस टी वन प्लस टी टू क्या होगा एस वन बताओ टू प्लस सर फाइव फाइव होगा सर फाइव यहाँ तक क्लियर है यस सर हाँ सर और टी टू सर एस टू माइनस एस वन टी टू के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं एस टू माइनस माइनस एस वन यस एस टू माइनस एस वन एस टू कितना आ रहा है सर फोर्टीन दो इंटू दो का स्क्वायर हाँ सर फोर्टीन प्लस तीन इंटू दो माइनस पांच है ना यस सर नाइन आ रहा है नाइन आया तो टी टू नाइन आ गया yes, उसने sir. पहले ही बोल रखा है कि टर्म्स जो है एपी में है ना yes, तो टी थ्री कितना आएगा थर्टीन शुभ रिजल्ट में लगा जल्दी से किसी क्या बहुत डिस्टर्ब किसी क्या बहुत डिस्टर्बेंस है यार किसी के बहुत डिस्टर्बेंस है साइलेंट करो इतना क्वेश्चन क्लियर है क्या यस सर कॉपी करिए सर एक बार टी थ्री आप एस थ्री माइनस एस टू करके दिखा सकते हैं समझ में नहीं आया टी थ्री के बाद क्या हुआ एस थ्री क्या होगा दो इंटू तीन स्क्वायर प्लस तीन इंटू तीन तो नौ यस सर ट्वेंटी सेवन और एस टू कितना है चौदह तो टी थ्री क्या होगा एस थ्री माइनस एस टू कितना आ गया तेरह ओके सर समझ गया रब करें यस सर ठीक है अरिथमेटिक मीन्स ठीक है ध्यान देना बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी इफ
a1 a2 an are inserted such that a1 a2 b is in AP, then A1, A2, AN are set to be N means between A and B. एग्जाम्पल देखो 2 और 5, ठीक है, तो मैं 3 और 4 जो है 3, 4 इज अरिथमेटिक बिटवीन 2 और 5 एज 2, 3, 4, 5 आर इन एपी, ये बात चमकती है? Yes, sir. सभी लोग को ये बात चमकती है क्या? अर्थमेटिक मीन क्या होता है? इंसर्शन ऑफ अर्थमेटिक मीन. अगर मैं क्वेश्चन दूं, ध्यान दो, इंसर्ट 10 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 2 और 4, तो कैसे करोगे? हाउ डू यू थिंक यू शुड अप्रोच, बताइए. सर 2 और 4 को डिफरेंस डिवाइड बाय 10. नहीं 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 नहीं, लेट मीन्स बी ए वन ए टू, ध्यान देना, बाय 10 नहीं आएगा, ये 10 मीन्स आ गए ना, दैट इम्प्लाइज क्या? दैट इम्प्लाइज क्या बताओ? 2 a1 a2 comma till a10 comma 4 are in AP, तो 12 से डिवाइड करेंगे, is in AP. चमका? यस सर. Okay, now that implies, अब हम लोग को A1, A2, A3 निकालना है ना, तो 4 जो है वो इस AP का कौन सवा टर्म है? Last. हाँ, sir, last है, but number होगा ना? Twelfth term. 12 minus 1 into D, clear है? Yes, sir. तो आपका D कितना आ गया बताओ? 2 by 11. डी कितना आ गया आपका? 2 by 11. अरे ये क्लियर है क्या? डी कितना आ गया बेटा? 2 by 11. चमका? तो आप बताओ, yes, sir. आपका, yes, sir. आप बताओ आपका ए वन क्या होगा? 2 plus 2 by 11 24 by 11. आपका ए टू कितना होगा? 26 by 11 plus 2 by 11. ये बात चमकती है क्या? Yes, sir. समझा मैं क्या कह रहा था? मीन्स इंसर्शन की बात समझ में आई? कोई नई चीज नहीं है, सिंपल है. ये बात क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. कॉपी करिए बेटा. सर ऊपर का दिखा दीजिए, स्क्रीन ऊपर की.
रैप करें? नहीं सर, एक मिनट सर। सर वो क्या लिखा उधर, टू बी एन मीन्स बिटवीन ए कॉमा बी ना? हाँ सर। बोलो बेटा। सर स्कूल में ना हमें d is equal to b minus a by n plus 1 का फॉर्मूला दिया था। डोंट अप्लाई फॉर्मूला, याद कर लोगे तो याद कर लो, मैं तो याद नहीं कर पाया 15-16 साल में। why to remember everything, basic definition से we can always get ना। If I know कि मेरे को basic, why will always apply the basic definition, why to play with these things, no formula is required for anything, ठीक है? फॉर्मूले से जितना दूर भागोगे उतना सक्सेस के पास जाओगे। सर ये जो आपने सेकंड क्वेश्चन लिखा है इंसर्ट 10 एम बिटवीन 2, 4, तो इसमें जितने भी जो a1 a2 a3 है वो सब अर्थमेटिक मीन होंगे ना? वो सब अर्थमेटिक मीन्स हैं। सर नीचे कीजिए। कॉपी कर लिया सर। एक मिनट सर। अरे हो गया ना कॉपी? यस सर, डन सर। यस सर। ये क्वेश्चन दे रहा है, करिए जरा। द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 arithmetic progressions are in ratio 3n plus 8 is to 7n plus 15. Find ratio of 12th term. Mm.
ठीक है चलो क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। दो अलग अलग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ना, तो एक सीरीज को अगर हम एपी वन मान ले और एक सीरीज को हम अगर एपी टू मान ले, तो हर एपी का दो कैरेक्टरिस्टिक होता है, एक होता है फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दोनों के सम का रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, तो एस एन बाई एस एन प्राइम दिया हुआ है, क्या होता है एस एन मालूम है, एन बाई टू n minus 1 d1 prime plus n minus d1 prime। यहां तक क्लियर है, यू आर रिकॉर्डिंग? यस सर। तो मुझे क्या दिया हुआ है, एस एन बाई एस एन प्राइम का वैल्यू 2a1 plus n minus 1 into d1। ध्यान दीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, 2a1 prime plus n minus 1 into d1 prime, और इसकी वैल्यू क्या दी हुई है बताओ सर, 3n plus 8 by 7n plus 15, ये दिया हुआ है। ओके सर, 15 है। हाँ भाई, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ये सब क्वेश्चन अभी फाइंड क्या करना है, फाइंड क्या है बताओ, फाइंड रेशियो ऑफ 12 टर्म, तो t12 by t12 prime, तो t12 क्या होगा, a1 plus 11d by a1 prime plus 11d1 prime, ये निकालना है। यहां पर आपका एपी खत्म हो गया, अब आ गया आपका मैथ्स का कॉमन आईक्यू। बताओ ऊपर वाली इक्वेशन में एन को क्या पुट करेंगे कि ऐसा फॉर्म एलएचएस में बन जाए, इस वाली इक्वेशन में, जो ये वाली इक्वेशन है ना बॉक्स वाली इक्वेशन में, इसमें एन को sir. क्या पुट करूं, सुन रो सर, 23 पुट करने से क्या होगा, देखो अगर एन को 23 पुट किया इस वाली इक्वेशन में तो क्या होगा बताओ सर, 2a1 plus 22d1 आ जाएगा, नीचे भी वही हो जाएगा और 2 कॉमन निकल जाएगा, 2 का कैंसिल हो जाएगा और फिर हमें a1 plus 11d1 upon a1 prime plus 11d1 prime मिलेगा। बाकी लोगों को क्लियर है क्या ये? यस सर। हाँ सर, आपको सर ये बात 23 लेके फिर क्या किया सर, समझ में नहीं आया, 23 इसमें पुट कर दिया। अच्छा सर, इक्वेशन में पुट कर दिया। ओके सर, 23 कैसे आया, वो भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि 23 कैसे आपने सोचा। ठीक है, एक काम करो, तुमने खुद सोचो कि इस वाली इक्वेशन जो है, ये बॉक्स वाली इक्वेशन, इसमें एन को क्या पुट करोगे कि ऐसा बने, ये वाला बने, पहले बताओ। यहां पर ए वन है ना, एक काम करते हैं, सुनो, ये 2 से ना डिवाइड कर लेते हैं, न्यूमरेटर को 2 से डिवाइड कर लिए, कर सकते हैं ना 2 से डिवाइड, तो यस सर कर सकते, नीचे को भी 2 से वी हैव डिवाइडेड, d1 प्राइम बाय 2 है ना, यहां तक क्लियर है सभी लोगों को? अब तो देखो, यस सर क्लियर है, अब तो देखो, अब तो सोचो, अब इस वाले इक्वेशन में क्या पुट करोगे n को कि यहां पर 11 आ जाए। हाँ सर समझा, 23 डाल, समझा सर, समझा, मतलब n माइनस 1 बाई 2 को 11 पुट कर देंगे ना, yes, मतलब क्या हो गया, n इज इक्वल टू 23। ये बात चमकती है क्या सभी को? यस सर। तो बेटा अगर n को 23 पुट करोगे इसमें, आप n को 23 पुट करोगे तो क्या आएगा, a1 प्लस 11d1 a1 प्लस a1 प्राइम 11d1 प्राइम, यहाँ पे 3 इंटू 23 प्लस 8 बाई 7 इंटू 23 प्लस 15, ये बात चमकती है? हाँ सर। तो कितनी वैल्यू आ गई, निकाल लो वैल्यू,
कोई करो कैलकुलेशन, 77 और 23 सते 21, 154 और 23 170 170 अपन 192 कितना आ रहा देखो 161 + 15 176 साथ ही 21 दो हाँ 176 है ना, ये सिंपलीफाई करो 117 जाओ और 11 6 7 16 क्लियर है क्या क्वेश्चन अच्छे से आपको? yes, sir. मेरा बस एक क्वेश्चन है, आपको ये समझ में आया क्या n माइनस 1 बाई 2 को 11 पुट करना? यस सर। यस सर। अरे सभी लोगों को बस इतना ही समझना था अभी आज, ये समझ गए सब लोग? यस सर। तो आप आज क्लास से एक ही चीज सीख के जा रहे हैं, एपी में एक ही ट्रिक होती है, दो ही फॉर्मूला होता है, एक तो nth टर्म का और एक sum of n का। उसके अलावा आपको क्या करना चाहिए, बस एक काम, एक बार सब कुछ लिख के थिंक एल्जेब्रिकली, सॉल्व एल्जेब्रिकली। एपी की दो ही कैरेक्टरिस्टिक है, nth टर्म और सॉरी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। आपको एपी का कोई भी टर्म निकालना हो, यू रिक्वायर फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, यहां तक सबको क्लियर है क्या? यस सर। होमवर्क लिख रहा हूं मैं, होमवर्क लिख रहा हूँ एनसीईआरटी से 9.1 और 9.2। ओके सर, कॉपी करिए। ओके सर, थैंक यू सर। अब रुको भाई, पहले कॉपी तो रुको भाई, कहाँ भाग रहे हो, कॉपी करो। हेलो, अबे हेलो, कॉपी कर लिए क्या? नहीं सर, एक मिनट सर। थैंक यू इनको बोल के भाग गया वो फटाक से। नहीं सर, वो थैंक यू गलती से बोल दिया, मैं इधर ही हूँ। कैन यू शो दी डाउन पार्ट? क्या क्या बेटा क्या सर? स्क्रॉल करो ना नीचे साइड का वो। कॉपी हो गया सर। सबका क्लियर है? यस सर। यस सर। कॉपी कर रहे हो? कर लो। कॉपी कर लिए? यस सर, हो गया सर। हाँ सर, हो गया। चलो भाई, बाय बाय। बाय सर। थैंक यू सर। बाय सर। थैंक यू सर। बाय।